नमस्कार मुस्निग्धा। हठात ऐतिहासिक जुगांतकारी नवंबर 8, 2016 भारतीय राजनीति एवं अर्थनीति पाई निश्चय स्मरणीय रहिबो। सफल हेउ बा विफल, प्रभावी पदक्षेप हेउ बा आणु बर्बादी, विमुद्रीकरण जे एक बड़ निष्पत्ति एहाको समस्ते स्वीकार करिवे। तेबे कोण एथिरु मिलिला, केते मिलिला, लाभ हेला बा क्षति हेला, वर्षक परे समस्तंकु लोडा एहार हिसाब किताब। ଏବେ ସମୀକ୍ଷାର ବେଳ, ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ବର୍ଷକ ପରେ। ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ହେଲେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଏ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଦେଲା, ଦେଶ କେତେ ବଦଳିଲା, ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଖୋଳତା। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ତଳେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେହି ଦିନର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଏହି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उत्तर रे चीन सह सरगरम संपर्क, पश्चिम रे पाकिस्तान सह गुलीगोला विनिमय, 2016 नवंबर रो परिस्थिति ठीक युद्ध भली थिला। आउ एहारी भितरे अचानक 2016 नवंबर 8 तारीख रातिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को उद्देश्य रे संबोधन करबा पई सामना को आसिले। लागुथिला एक बड़ घोषणा हेबो, युद्ध घोषणा भी होई पारे। सारा देशर नजर रहिथिला प्रधानमंत्री मोदी को उपरे, निश्वास प्रश्वास बंद करी सारा देश सारा दुनिया सुनिथिला प्रधानमंत्री गोटी गोटी शब्द। प्रधानमंत्री मोदी संबोधन रो क्लाइमाक्स जेतेबेले सामना को आसिला समस्ते ताजुब होइगले। प्रश्न हजारे थिला हेले उत्तर थिला सुन। निमिषक भितरे सबु कल्पना जल्पनारे पूर्ण छेद टाणी प्रधानमंत्री घोषणा कले विमुद्रीकरण। ए गोटिए घोषणा सारा देशरे चहल पकाइदेला। गोटिए झटकारे निमिषक मध्यरे 15,44,000 कोटी टंकार नोट पलटिगला अदरकारी कागज। अवश्य निजर 500,000 टंकिया नोट बदलाइबा पई प्रधानमंत्री देशवासी को तीनमास समय देले, हेले विमुद्रीकरण निष्पत्ति सारा देश को एक अभावनीय परिस्थिति रे पहुंचाई देला। साधारण हुंतु अवा असाधारण समस्त को प्रभावित कला विमुद्रीकरण निष्पत्ति। लोके एटीएम आगरे लाइन रे छिड़ा हुई प्राण हराइले, हेले प्रधानमंत्री थिले तांको निष्पत्ति रे अटल। विमुद्रीकरण को नहीं आरंभ हेला राजनीति, सरकार को घेरिले विरोधी। एहा सत्वे भी लाइन रे छिड़ा हुई लोके सरकारंक निष्पत्ति को स्वागत जणाइले। लोके इथिपई खुशी थिले जे एहा द्वारा कलाधन बाहर को आसिबो। हेले देश सारा बिछाई होई रहिथिबा सबु कलाधन प्रकृतरे बाहर को आसिला कि एकथा में आपणंकु कहिबु, हेले ता पूर्वरु जानि नियंतु विमुद्रीकरण पछरे की जुक्ति रखिथिले सरकार। विमुद्रीकरण जोगु कलाधन बाहर को आसिबो, टेरर फंडिंग उपरे लागिब लगाम, दुर्नीति विरोध रे विमुद्रीकरण एक प्रमुख अस्त्र हेब, देश क्याशलेस इकोनोमी आड़क आगे जीव। एही सबु लक्ष्य पूरण पई सरकार बजार रे चलुथिबा नोट को अदरकारी कागज रे परिणत करिदेले। आउ ए घोषणार प्रभाव ठीक ता परदिन सकाळे देखिबाकु मिलिला। लोके निजर 500,000 टंकिया नोट नै धाड़ी लगाइले बैंक आगरे। फास्ट कम फास्ट सर्विस भली स्थिति, सरकारंक अधा पंतरिया प्रस्तुतिर प्रमाण मध्य प्रथम 7 दिन भितरे देखिबाकु मिलिला। लोकंक चाहिदा मुताबक बैंक संख्या कम पड़गला, जेमिति सेमिति करी से 3 मास बीतिगला। हेले स्थिति सामान्य हेबारे लागिला आहुरी अधिक समय। ए सबु भितरे पुरिछि विमुद्रीकरणर प्रथम वर्ष। केन्द्र सरकार विजय पालन पई प्रस्तुत, त विरोधी पाळुछन्ति कला दिवस। राजनीति गोटिए पार्श्वरे तो लोकंक हित आउ गोटिए पार्श्वरे, आउ एहारी भितरे लोके अपेक्षा करिछन्ति
केबे प्रधानमंत्री देशवासींकु कहिबे जे विमुद्रीकरण द्वारा देशकु मिलिला कोन मासो मासो धरी एटीएम ओ बैंक आगरे लाइन लगाइथिबा साधारण लोके पाइले कोन रिपोर्ट टीवी न्यूज। गत वर्ष नवंबर 8 राति 8टा विमुद्रीकरण निष्पत्ति घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेलीविजन रे एही घोषणा सह सबुठी देखा दला टंका कु नै चिंता। एहा परे प्राय 5 मास थिला बेस घटना बहुल कि भळि थिला से दिन गुडी को आसंतु देखिबा। विमुद्रीकरण को पुरिला वर्षे एहार फायदा कहउछंती सरकार, अन्य पटे क्षति गणुछंती विरोधी। तेबे एहा भितरे केमिति रहितिला पूरा घटनाक्रम आसंतु नजर पकाइबा। 8 नवंबर 2016 ऐतिहासिक विमुद्रीकरण पाई घोषणा कले प्रधानमंत्री। घोषणा परे परे एटीएम आगरे लागिगला लंबा लाइन। 9 नवंबर 2016 बंद रहिला देशर समस्त एटीएम और बैंक। नवंबर 11 पर्यंत टोल फी छाड़ कले सरकार। 10 नवंबर 2016 एटीएम बंद, बैंक आगरे पुराणा नोट डिपोजिट पाई लागिला लंबा लाइन। नवंबर 11 2016 दुई दिन परे खोलिला किछि एटीएम, हेले मात्र किछि घंटा रे खाली होई गला टंका मेसिन। किछि स्थान रे पुराणा नोट व्यवहार पाई 14 तारीख पर्यंत मिलिला महलत। 12 नवंबर 2016 एटीएम ओ बैंक आगरे लंबा लाइन भितरे सरिला प्रथम सप्ताह। 13 नवंबर 2016 टंका बदल सीमा 4000 रु हेला 4500, एटीएम रु उठाण हेला 2000 रु 2500 टंका। बैंक रु उठाण सीमा सप्ताह को 20000 रु हेला 24000। 14 नवंबर 2016 पेट्रोल पंप रे 24 नवंबर पर्यंत पुराणा टंका नेबाकु घोषणा हला। करंट अकाउंट होल्डर को पई सप्ताह को टंका उठाण सीमा बढ़िला 50000। डिसेंबर 30 पर्यंत छाड़ करा गला एटीएम चार्ज। 15 नवंबर 2016 सरकार को निष्पत्ति उपरे रोक लगाइबाकु अग्राह कले सुप्रीम कोर्ट। 17 नवंबर 2016 टंका उठाण सीमा 4500 रु 2000 को कमाई दिया गला। विवाह पई 2.5 लाख टंका उठाण दिया गला अनुमति। कृषक को सप्ताह का मध्य 50000 रो उठाण अनुमति। किछि पेट्रोल पंप रे डेबिट कार्ड रे मिलिला 2000 टंका। 18 नवंबर 2016 एटीएम रे स्थिति सुधरी नथाय, बैंक रे लागि थाय लंबा लाइन। एपटे विरोधी को टार्गेट रे थांती सरकार। 22 नवंबर 2016 धीरे धीरे स्वाभाविक होइगला देशर अधिकांश एटीएम। 24 नवंबर 2016 राजपथरे डिसेंबर 2 जाए टोल फी छाड़। 26 नवंबर 2016 जनधन अकाउंट रे मात्र 14 दिन रे 27200 कोटी रु डिपोजिट हेला 72834 कोटी। 28 नवंबर 2016 प्राय 8.45 लाख कोटी पुराणा नोट जमा हो सारी। 29 नवंबर 2016 टंका उठाण सीमा कोहल पर कमिबा को लागिला एटीएम लाइन। 30 नवंबर 2016 जनधन अकाउंट रो मासकु 10000 उठाण सीमा रखिला आरबीआई। 2 डिसेंबर 2016 टैक्स डिपार्टमेंट पक्षरु 130 कोटी टंका ओ 2000 कोटी रो अघोषित संपत्ति जबत। 7 डिसेंबर 2016 पुराणा नोट रो 76% बैंक रे जमा होतिबा नै आरबीआई रो सूचना। 20 फेब्रुआरी 2017 सेविंग्स अकाउंट रो टंका उठाण सीमा 24000 रु 50000 को वृद्धि। 13 मार्च 2017 सेविंग्स अकाउंट उपरे लागिथिबा समस्त कटकणा को उठाइ दिया गला। आर्थिक वर्ष शेष सुधा स्वाभाविक हेला देशर बैंकिंग ओ मुद्रा परिचालन स्थिति। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। विमुद्रीकरण को नेइ एबे शासक विरोधी मोहामोहि, किए पाळुछि कळा दिन तो आउ किए कहुछि एहा कळाधन उपरे विजय दिवस। एहा को नेइ किए कोन कहउछन्ति आसंतु जानिबा। We'll be right back.
ଏବେ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାଣିବା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ବଜାରରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଜାଣିବା କ'ଣ ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ନୋଟବନ୍ଦୀ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଏକଦମ ହଠାତ୍, ନା ଏହା ଥିଲା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ସୁସଂଗଠିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହାର ସିକ୍ରେସି ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସିକ୍ରେସି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର ଭିତିରି କଥା। 500 ରୂପେ ଔର 1000 ରୂପେ କେ କରେନ୍ସି ନୋଟ लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। की भली हैला नोटबंदी रो निष्पत्ति, काही की हैला नोटबंदी रो निष्पत्ति, कहा कहा कु जणा थिला नोटबंदी संपर्क करे एमिति एको फैसला जहां परे धाड़ी रे छिड़ा हैला सारा देश, जहार प्रारंभिक सफलता रो अर्थ बंद थिला एटीएम रो बंद दरजा भितरे, जहार पूर्ण सफलता लागी एबे भी उत्कंठा रे अपेक्षा करिछि सारा देश। नोटबंदी से निष्पत्ति प्रकृतरे हेला कि भली, प्रकृतरे कौन एमिति कारण थिला जहां दुनिया रो सबुठु शक्तिशाली गणतंत्र रो शक्तिशाली मुखिया को बाध्य कला निजर सबुठु शक्तिशाली मुद्रा को अचल करने को, आसंतु जानिबा कौन थिला नोटबंदी रो भितरी कथा। एथिलागि एक टीम को कामरे लगाइथिले पीएम मोदी, आउ एही टीम ही तयारी कला विमुद्रीकरणर आधार। नोटबंदी लागि करिथिला पूरा रिसर्च, एक खबर सरबराह संस्था अनुसार एही टीम रो नेतृत्व नेउथिले राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया, टीम रे थिले 6 जन सदस्य। प्रधानमंत्री को बासभवन रे प्राय वर्षे धरी एमाने लागिथिले कामरे, योजना को गुप्त रखिबा लागि एमाने कथा हेउथिले गुजराती रे। टीम रो रिसर्च शेष होला, ଛପା ହେଲା ନୂଆ 2500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। 8 ନଭେମ୍ବର 2016 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ 3 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କଲେ, ବୈଠକରେ ଏହି 3 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। 8 ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ଆର୍ବିଆଇ ବୋର୍ଡ। ପ୍ଲାନ୍ ଲିକ୍ ନ ହେଉ ସେଥିଲାଗି ରାତି 8:00 ନୋଟବନ୍ଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାତି 8:00 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସାରା ଦେଶ, ରଦ୍ଦି କାଗଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ ବାହାରେ ଲାଗିଲା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିଲା ଏକାଧିକ କାରଣ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଲା ଭାରତରେ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ପେଟିଏମ୍ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର, ସବୁଠି ବଢ଼ିଲା କାରବାର, ହେଲେ ବଜାରରେ ନଗଦ ମିଳିବା ସହ ମୌଳିଗଲା ସବୁ ଉତ୍ସାହ। ବର୍ଷକ ପରେ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ର କାରବାରର ସ୍ଥିତି କିଭଳି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାନ ଦୋକାନୀ ମଦନ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଘୋଷଣା ପରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହ ଦୋକାନରେ ଲଗାଇଲେ ପେଟିଏମ୍, ଯାହାର ଫାଇଦା ବି ହେଲା। ହେଲେ ବଜାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ଏବେ ପେଟିଏମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ପେଟିଏମ୍ ସେ ଆମକୁ ମାଲ ନେଇ ମିଳିତା, କ୍ୟୁକି ଓ ବୋଲତା ଆମକୁ ପେଟିଏମ୍ କି ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ୍ୟାଶ ଦଉ, କ୍ୟାଶ ଆଏ ତ ମାଲ ଦଉଙ୍ଗା, ନେଇ ଆଏ ତ ନେଇ ଦଉଙ୍ଗା, ଇସିଲିଏ ଆମକୁ କ୍ୟାଶ ଦେନା ପଡ଼ତା ହେ। ଆଉ ପେଟିଏମ୍ ହମ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରତେ ହେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଁ ଡାଲ ଦେତେ ହେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ହମ କ୍ୟାଶ ନିକାଲ ଲେତେ ହେ, ତୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେଁ ଡାଲନେ ସେ ଭି ଅଭି ତିନ ପରସେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲେ ମାନେ ପେଟିଏମ୍ ବାଲେ କାଟତେ ହେ ପଇସା। ଦିଲ୍ଲୀର ଖାନ ମାର୍କେଟର ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁରାଗକୁ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏମିତି ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ୱାଲେଟରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ନେଲେ। ପେଟିଏମ୍ କରିଦିଏ, ପେଟିଏମ୍ ନେଇ ମାନେ କୋଇ ବାତ ନାହିଁ, ଫିର ପେଟିଏମ୍ ଆଡ୍ କରିଦିଜେ ଅର୍ ଫିର ଆପକୋ ମୈଁ ଉସମେ କରା ଦେତା ହୁଁ।
उनको मैंने ऐड करा, उतनी देर में एक फोन आया, उन्होंने मेरा ही मोबाइल लेके जहाँ पे उसमें पैसे कैश ट्रांसफर हो चुका था उसी टाइम उसका रिफंड बटन दबा दिया और जल्दी जल्दी करके सब बाहर निकल, मतलब 3,000 रुपये का सामान भी लेके चले गए, सब कुछ हो गया। पेटीएम को अप्रोच किया, उन्होंने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, जिसने पैसे डाले नहीं डाले निकाल दिए। देशर सब खुचरा मार्केट रे प्राय समान अवस्था। नोटबंदी के तुरंत बाद चाय पान या सब्जी की छोटी छोटी दुकानों ने पेटीएम के बोर्ड अपने दुकानों पर लगा के रखे थे। नोटबंदी के एक साल के बाद ये बोर्ड तो अभी भी वहाँ पे हैं, लेकिन ना तो दुकानदार इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और ना ही ग्राहक। केवल दुकानी नुहंती, बाजार को टंका आसीबा परे लोगों को भीतर मध्य मोबाइल वॉलेट को नहीं कम छी आग्रह। पेटीएम यूज करने से लगता है कि कहीं मेरा बैलेंस ज्यादा ट्रांसफर ना हो जाए, कम ट्रांसफर ना हो जाए, तो इसलिए भी लोग पेटीएम यूज नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण तो ये लगता है। दूसरा क्या है कि कैश लेके चलते हो तो कैश में कि हमें कंफर्म है कि उतने पैसे दे रहे हैं। छोटे वेंडर हैं, उनको इनकन्वीनियंस इस चक्कर में हो रही है कि वो पैसे लेके जाते हैं और बैंक में सीधा चला जाता है, फिर उनको बैंक जाना है निकालना है, वो आगे जैसे होलसेलर को देते हैं पैसे, तो उनको डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए, दे नीड कैश। तो मेरे को लगता है जितना अगर ब्लैक मनी पे कंट्रोल होगा, जैसे जीएसटी के वजह से थोड़ा ब्लैक मनी पे कंट्रोल हो रहा है, तो इसको ना कम बैक कर दिया। प्रकृत रे विमुद्रीकरण परे बाध्य होई लोके डिजिटल तरीका अपनाई थिले, फल रे नोटबंदी रो प्रथम मास रे डिजिटल ट्रांजैक्शन क्षेत्र रे 117% वृद्धि देखिबा को मिलेला, परे हर गति मंथर पड़िला। डिसेंबर तुलना रे चलित वर्ष अगस्त मास पर्यंत एहार अभिवृद्धि थिला मात्र 1.35%। सेहिपरि अक्टोबर रु डिसेंबर मध्य रे पीपीआई रे 63% अभिवृद्धि आसिबा बेले डिसेंबर रु अक्टोबर मध्य रे मात्र 5% वृद्धि हला। डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन नोटबंदी समय रे 48% कमिथिबा बेले डिसेंबर रु अगस्त मध्य रे बढ़िगला 99%। डिजिटल ट्रांजैक्शन रो गति बढ़ु एथिपाई आवश्यक उत्तम भित्तिभूमि, तासह डिजिटल ट्रांजैक्शन उपरे चार्ज मध्य बंद करिबाकु पड़िबो। दिल्ली रु रोहन सिंह, ईटीवी न्यूज। केवल कोण भारत रे होईछि विमुद्रीकरण, एहार उत्तर ना। विश्वर आउ केउठी केबे विमुद्रीकरण होईछि एवं एहार प्रभाव कोण पड़िछि जानिबा ए छोटी ब्रेक परे। ब्रेक परे स्वागत। वर्षक तले भारत में होता विमुद्रीकरण, तेरे यह नुआ घटना नुहे, पूर्व विश्वर विभिन्न स्थान में हो सारी विमुद्रीकरण। खाली से नुहे, आम देश में मध्य पूर्व हो सारी नोट अदल बदल प्रक्रिया, केबे आसंतु जानिबा। विमुद्रीकरण सरल भाषा कहिले पुराना नोट अचल नुआ नोट्र प्रचलन, विभिन्न कारण को नहीं होता है विमुद्रीकरण। विश्वर विभिन्न स्थान में हो सारी एभली प्रक्रिया, आसंतु नजर पकाइबा। नाइजेरिया 1984 मसीह नाइजेरिया रे होता विमुद्रीकरण। देशर बढ़ुवा करज और मुद्रा स्थितर प्रभाव जो भुशुड़ी पड़ा देशर आर्थिक मेरुदंड, तत्कालीन मुहम्मदु बुहारी सरकार नहीं निष्पत्ति, तेज सफल हो पार निष्पत्ति। घाना 1982 मसीह घाना 50 सेसिड नोट को बंद करने को निष्पत्ति नेले सरकार। यह निष्पत्ति फल देशर अनेक कलाधन कारबार सामना को आसला, तेरे यह फल देशर आर्थिक अवस्था अधिक मजबूत होता। पाकिस्तान 2016 डिसेंबर मासरे पाकिस्तान में मध्य होता विमुद्रीकरण। देशर समस्त पुराना नोट्र लीगल अवधि समाप्त कर दि जाए प्रचलन करागला नुआ नोट, हेले एहार समय सीमा प्राय 1.5 वर्ष रखा जाइथिबारु लोकंक उपरे एहार विशेष प्रभाव पड़ नथिला। जिम्बाब्वे बोधुए विश्वास करिबा कष्टकर हेबो, जिम्बाब्वे पाखरे थिला प्राय 100 ट्रिलियन डॉलर नोट 2015 रे जहाकु हठात बंद करिबाकु निष्पत्ति नेले राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे। विमुद्रीकरण पर यह टंकार भैल्यू हो जाता मात्र 0.5 डॉलर। मजा कथा होछि टंका को किसी सपिंग वेबसाइट करा बिक्री।
उत्तर कोरिया 2010 मसीह उत्तर कोरिया रे होइथिला विमुद्रीकरण किंतु यार प्रभाव एमती पड़ा जोक खावा मिललानी किम जंग हठात घोषणा द्वारा बड़ नोट्र दुईट सुन उभान होगला ब्लाक मार्केट बंद करने कोष्पत्ति सोवियत यूनियन 1991 ब्लाक मार्केट रोकने को तत्कालीन मिखाइल गोब्राचेव का सरकार नहीं विमुद्रीकरण निष्पत्ति तेज सरकार निष्पत्ति को पसंद करन साधारण लोके एपरिक कहुए सोवियत खंड खंड होवार एक बड़ कारण है विमुद्रीकरण ऑस्ट्रेलिया 1996 सारा विश्व में प्रथम करी प्लास्टिक नोट्र प्रचलन आरंभ कला ऑस्ट्रेलिया तेणु देशर समस्त पुराणा नोट को अवैध घोषणा कले सरकार तेरे देशर आर्थिक स्थिति उपर यार विशेष प्रभाव पड़ नथिला म्यांमार 1987 मसीह म्यांमार सामरिक शासन समय होता विमुद्रीकरण देशर 80% नोट बदलवाक होता निष्पत्ति तेब यहाद्वारा देशर आर्थिक स्थिति एमती बिगिड़गला जे लोके आरंभ कले विरोध एपरिक सुरक्षाकर्मी गुड़ में अनेक जीवन गला भारत पूर्व आम देश में एकाधिक थर हो सारी विमुद्रीकरण 1946 एक हजार और 10,000 टंकिया नोट को बंद कर 1954 यह 5,000 टंकिया नोट सह पुणी चालू करागला 1978 मसीह मोराजी देसाई सरकार 1,000 5,000 और 10,000 टंकिया नोट उपर लगे कटक तेरे से बजार में एत संख्यार बड़ नोट नोके विशेष असुविधार सम्मुखीन हो रिपोर्ट विरोधी कहते विमुद्रीकरण देश को बर्बाद करदेला शासक कहते यह जुगांतकारी किंतु अर्थनीतिज्ञ कहते अपेक्षा कर ताले आगो को देखिबा स्पेशल रिपोर्ट को एट रखा नमस्कार।